Welcome, my dear students and friends. Welcome to your channel SD Physical Educator. Today, I am going to teach you how to draw a knockout fixture when the total number of team is even. For example, we'll made a fixture of 10 teams. 10 is even number. So here we can know how to draw a fixture when the team is even number. So enjoy with this video and don't forget to play today's quiz section, because it's upgrade you the latest rules of games and sports. So enjoy the full video. तो आइए अब देखते हैं 10 टीम का नॉकआउट फिक्शन हम लोग कैसा ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए 10 टीम जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई जे, ये मान लीजिए मेरा टीम का नाम है। तो अभी मैं अपर हाफ एंड लोअर हाफ कैसा निकालूंगा और उसके लिए कैसा कैलकुलेशन करेंगे, बाइस कैसे निकालेंगे, अपर अप्स में कितना बाई होगा, लोअर अप्स में कितना बाई होगा, ये अभी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ टीम इज इवन, फॉलो द फॉर्मूला। अगर आपका नंबर ऑफ टीम इवन नंबर है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, तो ये फार्मूला को फॉलो करना होगा। तो हम लोग 10 टीम लिए, इवन में जो फार्मूला होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ टीम एन, एन इज डिनोटेड एज टोटल नंबर ऑफ टीम, इज इक्वल टू 10 टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ यानी यू एच, इसका फार्मूला है एन बाई टू। एन इज नंबर ऑफ टीम्स यानी 10 बाई टू इज इक्वल टू 5 टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, एल एच इज लोअर हाफ, एन बाई टू। एन इज नंबर ऑफ टीम्स यानी 10 बाई टू इजिकल टू 5 टीम्स, मतलब अपर हाफ में 5 टीम एंड लोअर हाफ में भी 5 टीम। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ बाइस यानी एन बी इजिकल टू 2 to the power n - n। 2 to the power n जो स्मॉल n है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ राउंड, एंड जो कैपिटल n है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो 2 का पावर n, हम यहाँ पे 4 लिया, क्यों लिया अभी आपको अब बताते हैं। मैंने छोटा सा नोट लिखा है इसमें, द वैल्यू ऑफ 2 to the power n मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन टू द नंबर ऑफ टीम्स। 2 का पावर हम लोग ऐसा संख्या को लेंगे जो संख्या नंबर ऑफ टीम्स का बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो। यानी अगर 2 का पावर हम लोग 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 into 2 into 3 यानी 8। 8 जो है 10 से छोटा है, ना ही 10 का बराबर है, इसीलिए हम लोग 2 का पावर 3 को नहीं लेंगे, 2 का पावर 4 लेंगे। क्योंकि 2 का पावर जब 4 लेंगे तो 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16, मतलब 2 का पावर हम लोग ऐसा लेंगे कि वो 10 से बराबर हो या फिर 10 से बड़ा हो। तो यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 4 लिए, क्योंकि 16 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम्स, यानी 16 - 10 इज इक्वल टू 6 बाईस। टोटल 22 कितना है, 6 बाईस। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ, अगर हम लोग अपर हाफ में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 22 है एन बी बाई टू। एन बी मीन्स नंबर ऑफ 22 बाई टू यानी 6 बाई टू यानी 3 बाईस। टोटल नंबर ऑफ 22 इन लोअर अप, अगर हम लोग लोअर अप में 22 देखेंगे, इसका फार्मूला है एन बी बाई टू यानी 6 बाई टू इज इक्वल टू 3 बाईस। नेक्स्ट देखेंगे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल 4 राउंड है क्योंकि एन का पावर हम लोग 4 लिए थे, तो स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ राउंड्स यानी 4 राउंड। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू एन माइनस वन इज इक्वल टू एन इज नंबर ऑफ टीम्स, दैट इज 10 - 1 इज इक्वल टू 9 मैचेस। टोटल इस टूर्नामेंट में 9 मैच ही होना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिक्चर को कैसा ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड कर लेंगे, यानी पुल बना लेंगे,
एक एक पूल में पांच पांच टीम्स होगा जो कि हम लोग देखें, तो 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज अपर हाफ एंड लोअर हाफ, 1, 2, 3, 4, 5 पांच टीम ऊपर पांच टीम नीचे, यानी पूल ए एंड पूल बी। अब हम लोग 22 को पुट करेंगे, तो अपर हाफ में 3 बाई है एंड लोअर हाफ में 3 बाई है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले कैलकुलेशन किए थे, तो पहला बाई हम आपको नंबर देके दिखाएगा। पहला बाई जो है लोअर हाफ का लास्ट टीम को देंगे, दैट इज जे टीम को। मैंने यहाँ में बाई के सामने नंबर देके आपको समझाने की कोशिश किया है कि कौन सा नंबर बाई कहाँ पे फीड हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर बाई यानी अपर हाफ का बाई जो है वो अपर हाफ का फर्स्ट टीम को जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो बाई है वो लोअर हाफ का फर्स्ट टीम को जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो बाई है अपर हाफ का लास्ट टीम को जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर बाई लोअर हाफ का फर्स्ट टीम, जे को तो दे दिया यानी आई को आएगा फर्स्ट टीम। नेक्स्ट अपर हाफ का फर्स्ट टीम यानी ए को तो दे दिया, अभी छठा नंबर बाई जो है बी को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 बाई जो है वो हम लोग ने दे दिए, दैट इज पुल बी में यानी लोअर हाफ में 3 बाईस एंड अपर हाफ यानी पुल ए में 3 बाईस। फर्स्ट राउंड का मैच यहाँ पे ए नहीं खेलेगा क्योंकि उसको बाई मिला है, बी भी नहीं खेलेगा यहाँ पे क्योंकि उनको बाई मिला है। तो सी एंड डी ये पहला मैच खेलेंगे पुल ए में, और ई को भी बाई मिला है तो ये फर्स्ट मैच नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट एफ, इनको बाई मिला है फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट जी और एच पुल बी में फर्स्ट मैच खेलेंगे। नेक्स्ट आई, इनको बाई मिला है तो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगे एंड ऑब्वियसली जे भी नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको भी बाई मिला है। तो मैच नंबर 1 बिटवीन सी एंड डी, जिसमें मान लीजिए सी इज द विनर एंड जी एंड एच के बीच में मैच नंबर 2 हुआ जिसमें मान लीजिए एच इज द विनर। तो मैंने हम लोग ने देखा पुल ए में फर्स्ट राउंड में सी ने पहला राउंड जीता है एंड पुल बी में जो मैच हुआ जी एंड एच के बीच में जिसमें एच फर्स्ट राउंड में जीता है। नेक्स्ट सेकेंड राउंड में सेकेंड राउंड खेलेंगे ए एंड बी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं खेले थे, और यहाँ पे सी इज द विनर तो सी का साथ खेलेंगे ई सेकेंड राउंड का मैच। यहाँ पे खेलेंगे एफ एंड जी ऑन एच के बीच में एच जीता उसका साथ खेलेंगे एच। नेक्स्ट आई आर जे जो कि फर्स्ट राउंड नहीं खेले वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड खेलेंगे जे एंड आई। यहाँ पे मान लीजिए ए ऑन बी का साथ मैच हुआ दैट इज मैच नंबर 3 और यहाँ पे ए जीता है। नेक्स्ट मैच नंबर 4 दैट इज सी और ई के बीच में खेला गया, मान लीजिए उसमें ई जीता। यहाँ पे मैच नंबर 5 एफ एंड एच के बीच में खेल हुआ इसमें मान लीजिए एच जीता। नेक्स्ट आई और जे के बीच में जो छठा नंबर मैच हुआ उसमें मान लीजिए आई जीता। नेक्स्ट राउंड 3 के लिए ए और ई का साथ मैच होगा दैट इज मैच नंबर 7 और जिसमें मान लीजिए मैच जीता जो ए। नेक्स्ट मैच एच एंड आई दैट इज मैच नंबर 8 और मान लीजिए जिसमें विनर है एच। तो एक तरफ से देखा जाए तो पुल ए में विनर है ए और पुल बी में विनर है एच। नेक्स्ट फाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट दैट इज मैच नंबर 9 बिटवीन के एंड एच एंड मान लीजिए ये जो है ये मैच का विनर है। तो इस तरह से हम लोग नॉकआउट फिक्सर को ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाई को कैसा प्लेस किया जाता है, कैसा बाईस को दिया जाता है, कैसा मैच नंबर दिया जाता है और कैसा विनर को लिखा जाता है, कैसा राउंड को लिखा जाता है और कैसा राउंड में खेल होता है, कैसा अपर पुल होता है, कैसा लोअर पुल, ये सब हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। अभी हम लोग फार्मूलाज को और एक बार देख लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ टीम्स इन अवर अप दैट इज यू एच एन बाई टू इफ द नंबर ऑफ टीम इज इवन।
दैट इज नंबर ऑफ टीम इन अपर अप दैट इज यू एच इज एन बाई टू, नंबर ऑफ टीम इज लोअर अप दैट इज एन बाई टू, नंबर ऑफ बाइस जो कि सेम रहेगा टू टू द पावर एन माइनस टू, बाइस को एन बी से डिनोट किया गया, नंबर ऑफ बाइस इन अपर अप दैट इज एन बी बाई टू एंड नंबर ऑफ बाइस इन लोअर अप दैट इज एन बी बाई टू। इफ द नंबर ऑफ टीम इज इवन, नंबर ऑफ राउंड दैट इज टू टू द पावर एन, एन में जो रहेगा, नंबर ऑफ मैचेस दैट इज एन माइनस वन। सो थैंक यू। I hope you really enjoy this video and get satisfactory knowledge about future. If you love my video, then like and subscribe my channel and don't forget to share this video with students. It helps students to know how to draw a picture. And thank you. Please do like, subscribe and share my video.